कर दिया करता इतने आप इतने लोगों की शादी कराई है भैया हमारी काई नहीं कराई हम भी तो सिंगल हैं अबे तुम जैसे लड़कों की शादी नहीं सिर्फ डिवोर्स होता है बे भैया एक लड़की पसंद है वैसे हमें लड़की पसंद है तुम्हें लड़की पसंद है इतनी हिम्मत जिंदा लड़की वो तेरे को लड़का भाई लड़की तेरे को पसंद करती कि नहीं करती है भैया एक लड़की है डिमांड है छोटी सी वैसे ऐसी शक्ल पे डिमांड बनती नहीं है मैं बताओ 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 भैया भैया ऐसी शक्ल पे क्या डिमांड करूं मैं मुझे कियारा भी चलेगी बाबा किसके लिए चलेगी इसको रिक्शा में लेके जाएगा बाबा हाँ मेरा एक छोटा सा सवाल था छोटा सवाल था पहले बात बताओ सुबह से कुछ खाए हो नहीं भैया कुछ भी नहीं खाए और खाओगे नहीं भैया पेट भर गया हाँ जिस काम के लिए है वो कर ले हाँ जल्दी बोल बे क्या लड़की वड़की क्या बोल रहा था तू मैं कह रहा था भैया एक लड़की पसंद है हमें अबे यार अबे ऐसे ऐसे लड़कों के वजह से भाई शब्द ना शुरू हुआ है तुम भैया बनाने लायक हो सैया बनाने लायक नहीं हो तो कहा है कि लड़की और सुन बे ज्यादा फुटेज मत का किसके लिए बुलाया इनको हमने यहाँ पे मैं वही पूछने जा रहा था इतनी बेइज्जती भौजी ने हमारी कर ली जिस काम के लिए आए वो कर ले अगर तेरी और बेइज्जती ना हो तो बेटर है आई थिंक जिस काम के लिए आए वो कर ही लेते गाइस शुड वी सी द सॉन्ग यू गाइस वांट टू सी द सॉन्ग द सॉन्ग गाइस आर यू गाइस रेडी टू सी द सॉन्ग आई कांट हियर यू गाइस तो बोलना यार चलो भैया गाना ना चला दो गाइस जैसे कि आपने देखा मैंने बहुत अच्छा डांस किया है इस गाने में कैसा लगा मेरा डांस गाइस आप थी वहां पे यू वर देयर इन स्पिरिट आई वाज देयर मैं शूटिंग चेक करने गई थी उस दिन सब ठीक चल रहा है कि नहीं आप उस शहर में थी जब हम नाच रहे थे हाँ मैं होटल में सो रही थी प्रेगनेंस बाबा हाँ इनकी गुड्डू बाबू की प्रेगनेंस वाज देयर तो बाबा इतने सवाल जो मैंने पूछे हैं हाँ जी आज मैं एक भी सवाल नहीं पूछूंगा काहे बे हमने बुलाए हुए हैं अच्छा तो जिसके भैया We are going to take only the fun questions, no boring questions. बिल्कुल है ना? जिसका सबसे interesting question होगा उसका जवाब पहले दिया जाएगा. पहले number पे कौन है? हाँ जी. उनके हाथ खड़े हो. हाँ, blue कुर्ता. मेरा सवाल है, मेरा सवाल आप दोनों से परिणीति सिद्धार्थ. Hello ma'am. Hi, hi. Hello, hi. जो बिहार है, बिहार आप दोनों का नहीं है. आप बिहार को belong नहीं करते हैं, आप दिल्ली से आते हैं. हालांकि वहाँ भी हिंदी बोली जाती है और इस तरह की भाषा यूपी के रहने से आई है लेकिन फिर भी जो डिक्शन पे और ख़ासतौर पे बोली पर आप लोगों ने क्या काम किया और कौन आपके साथ थे ट्रेनर जिन्होंने आपको ट्रेन किया मैम हम एक्चुअली बहुत लकी थे कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो उस एरिया से हैं तो वो अपने डायरेक्टर और राइटर राइटर ऑफकोर्स उसी स्टेट से हैं और जो हम यहाँ भाषा बोल रहे हैं उसको पटनैया कहते हैं जो पटना की हिंदी बोलते हैं जिसमें सबका मिक्स है जितने आपके जैसे मैथिली भोजपुरी और मगही का मिक्स जो होता है तो हमने वो एक्सेंट इस्तेमाल किया है क्योंकि हिंदी पिक्चर है तो परी और हमने आई थिंक तकरीबन हम सब ने 2 महीना कम से कम उससे पहले इस सबकी रिहर्सल करी ट्रेनिंग ली अजय जी हमारे डिक्शन कोच हैं जो आज शायद यहाँ पे है कि नहीं है नहीं है तो और बाकी हमारे डायरेक्टर साहब जो स्टेट से हैं उन्होंने बहुत मदद करी और परी ने एक्स्ट्रा मदद करी जो इसमें परी ने बताया कि गलत क्या क्या है इसमें इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए इसमें जो आप लोग क्योंकि मैं होटल में थी ना मैं मेरे पास बहुत टाइम था परी होटल में थी इसमें जो आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से लाउड हैं तो उसे इतना नेचुरल वे में लाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया उसको क्या कहते हैं एक्टिंग तो ये हमारा काम है हमने जब स्क्रिप्ट पढ़ी हमने जब कैरेक्टर्स देखे इन्होंने जब हमें ब्रीफ दिया जो राइटर्स आके बताया गया चाहे शैलेश जी हो प्रशांत हो तो वही एक्साइटमेंट थी कि जो परी और हमने पहले नहीं किया उसको अच्छी तरह दर्शाना इसमें बहुत मस्ती काफ़ी लाउड पिक्चर है उस स्टेट को बहुत ही कलरफुल तरीके से दर्शाया इन्होंने जिसमें लव स्टोरी भी है जिसमें एक इशू भी है जो कहते हैं पकड़वा विवाह
तो काफी मेहनत हुई उसके लिए, रिहर्सल जो हम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं हम लोग। आपने क्या क्या मेहनत करी परी जी? कई बार एक्चुअली हम लोग टेक्स दूसरी बार इसलिए करते थे क्योंकि हमने कुछ शायद सब कुछ सही किया बट कुछ सही बोला नहीं, तो मेनी टाइम्स प्रशांत यूज टू टेल अस कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन आपने गलत बोला। तो कई बार हम दोनों शॉर्टकट लेना चाहते थे और हम बोलते थे हम सर डबिंग में ठीक कर देंगे, बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि नहीं मुझे अभी सेट पे चाहिए। सो आई थिंक लैंग्वेज वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बट आई थिंक इट वॉज द रीजन वी साइंड द फिल्म, क्योंकि ये वर्ल्ड हम दोनों ने नहीं किया है, ये ऐसा बोलना या इस तरह का लहजा, बहुत मजा आया एक्चुअली। एंड नॉट ओनली बोथ ऑफ अस, द होल कास्ट, सबको बहुत मजा आया ऐसे बात, हम ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही बात करते थे। हेलो सिद्धार्थ, हेलो एक मिनट, वो माइक की वॉल्यूम्स बढ़ा दो गाइस। हेलो सिद्धार्थ इधर। हाँ जी, किधर है आप? इधर। अच्छा वहीं है सारा ग्रुप। म्यूजिक लॉन्च के लिए आप ये थिएटर क्यों चूज किया? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ तुम बताओ। नवरंग थिएटर और माइक लेके बोलो यार। लेके आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूजिक लॉन्च के लिए अब नवरंग क्यों चूज किया, ऐसा कुछ वजह है इनके पीछे? भोजपुर एक्चुअली हाँ भोजपुरी थिएटर है। बिल्कुल शूट भी किया बाबा, हमको लोकेशन फ्री में मिल गई। एक तो ओ प्रोड्यूसर कह रहे नहीं नहीं पैसे दिए। नहीं नहीं बजट की बातें मत खोलो अभी, तुम इससे बाद में बात करेंगे। दो रीजंस है, एक तो हमने इस थिएटर में शूट किया है। बिल्कुल, तो ये थिएटर आपको पिक्चर में दिखेगा और ये आई थिंक इकलौता थिएटर है जो अंधेरी का भोजपुरी फिल्म है, यहीं पे चलती है। बिल्कुल यहीं चलती है। उस तो यहाँ पे नहीं आते तो कहाँ जाते? प्रशांत जी मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। आप बिहार से हैं और ये जो इस तरह की जो शादियां होती हैं वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है क्योंकि उसमें लड़की की भी जिंदगी दांव पर रहती है। बिल्कुल। क्योंकि एक बार सिर्फ शादी नहीं, बाद में उसको ससुराल भी जाना होता है। तो इस इशू को आपने सिर्फ कॉमेडी के वे में लिया है या उस पर एक कुछ सुलझा सॉल्यूशन भी दिया है जबरिया जोड़ी में? नहीं, इसको दिखाने का तरीका जो है हमारा मस्ती का है। हाँ। लेकिन उसमें हमने ये बात जरूर कही है कि ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो ये बात आपको फिल्म में किस तरह से कहानी में आएगी वो फिल्म देख के आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। परिणीति Yes, sir. निधि, आपका पोस्टर में लुक देखे ऐसा लग रहा है कि एक और देसी गर्ल तैयार है और एक देसी गर्ल पहले ही धमाल मचा चुकी है, तो देख के ऐसा लगता है कि साथ में दोनों देसी गर्ल आती हैं तो कितना धमाल होता, तो कुछ इस बारे में बता सकती हैं आप? अब मैं क्या बोलूं? आई थिंक इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में एक ही देसी गर्ल हो सकती है। मैं कोशिश भी नहीं करूंगी, बट हम दोनों आई थिंक बहुत देसी हैं इस फिल्म में, उतना ही कहूँगी। आई थिंक मैं कुछ और नहीं कह सकती बिकॉज देयर इज ओनली वन एंड ओनली द ओरिजिनल देसी गर्ल एंड नोबडी एल्स कैन टेक हर प्लेस। साथ में आने वाले अभी कभी फिल्म कुछ बात एक फिल्म में ऑफ कोर्स अगर स्क्रिप्ट करेक्ट हो तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर। एंड अभी मैंने रिसेंटली बोला भी था इफ देयर इज एन एक्शन फिल्म, कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहा है तो या वी वुड लव टू डू एन एक्शन फिल्म टुगेदर। वी हम लोग बहुत बात करते हैं कि कुछ साथ में करना चाहिए बट इट शुड बी करेक्ट। जी मैं लास्ट सवाल पूछूंगा आप दोनों से, सिद्धार्थ आप दोनों से, कि हम देखते हैं कि फिटनेस के मामले में लोग सेलिब्रिटीज को बहुत फॉलो करते हैं और रिसेंटली एक फिटनेस कंपनी ने सर्वे किया जिसमें एक पॉलिटिशियन जो है सब एक्टर्स को पीछे छोड़ गए, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्या कहेंगे इस पे? इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। हमारे देश का लीडर इज सेटिंग द राइट एग्जाम्पल एंड आपको और कोई आइडल की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू लुक एट द मैन हिमसेल्फ। एंड योगा करते हैं? नहीं करते। झूठ मत बोलो यार, ऐसा भी देखो उनका काम आप प्रमोट कीजिए ना, फिर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबको मिलके फिटनेस जो योगा है, चाहे वो बाकी फिटनेस हो या एक्सरसाइज हो, स्पोर्ट्स हो, आई थिंक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम बहुत ही खुश हैं और खुद भी फिट होने की कोशिश रहने की कोशिश करते हैं। तो बाबा मैंने भी शुरू कर दिया। हाँ इसने भी शुरू कर दिया, इसका वजन 5 किलो ज्यादा था, फिल्म में निकल गया। इंस्पायर्ड बाय बाबा, इतने थप्पड़ खाए इसने। हेलो परी और सिद्धार्थ, विकास फ्रॉम न्यूज़ नेशन। हाय हाय। आप ये इस गाने को अभी हम लोग देख के मतलब हर कोई पानी पानी हो गया, इतना जबरदस्त आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी दिया और स्क्रीन पर जब गाना हम लोगों ने देखा, परफॉर्मेंस अभी आपने अच्छा दिया। मेरा सवाल ये था सिद्धार्थ और परी आप दोनों से कि
देश में अभी पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और नीति आयोग ने कहा है कि 2030 तक अगर इसी तरीके से पानी की पानी लोग व्यर्थ में यूज करते रहेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से बचाया जाए, क्या आप लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए पानी? आई थिंक आज के दौर में एक बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया और आप जैसे लोग जो एक्चुअली इस बारे में यू आर स्प्रेडिंग द वर्ड, आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं. तो जिन लोगों का उन सिटी से कोई नाता नहीं था उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ऐसा कुछ हो रहा है. एंड आई ऑलरेडी नो ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स हु आर ऑलरेडी डूइंग थिंग्स टू हेल्प देम आउट, क्योंकि वो लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इस टाइम. सो इवन फ्रॉम बॉम्बे एंड इवन फ्रॉम दिल्ली आई नो ऑफ सर्टन ग्रुप्स एंड NGOs who have already started their efforts. So I'm always there and said, and all of us, we are always there to do whatever we can do. Hello. Yeah, of course, I think in the environment, को preserve करना बहुत ही अच्छा मुद्दा है, बहुत ही important भी है. और जितना हम कम करें उसके लिए उतना कम है. और as a society, we have to make changes. हमारी thought में change होना चाहिए. And hopefully, ये जितने भी सारे campaigns चल रहे हैं, इससे awareness बढ़े, आपके through awareness बढ़े और हमें वो वक्त ना देखना पड़े कि जिस दिन हमें पानी की कमी पड़े. सिद्धार्थ और परिणीति यहाँ, सिमरन सिंह इधर है, यहाँ पे. अरे हाँ जी. सो गाने के लिए पहले बहुत कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. ट्रेलर को जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, सबका यही कहना है कि सिद एंड नीति आर द बेस्ट. मतलब जो आपके यस, तो ये सच्चाई है दोस्त. यस, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है. तो यही बात है, जो जोड़ी जो इतना पसंद की गई राइट फ्रॉम हसी तो वसी, डज इट प्रेशराइज यू बिकॉज यू हैव टू रिक्रिएट द मैजिक और यू हैव टू रिटेन दैट सेम मैजिक? डज इट प्रेशराइज यू? आप दोनों से सवाल है. वी हैव टू क्रिएट न्यू मैजिक जिसको आप देख के पानी पानी हो जाए. और ये पूरा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर साहब को भी जाएगा कि हम लोग जब इतने सालों बाद एक पिक्चर में आ रहे हैं कि हमें एक नई तरीके से दिखाया जाए. मस्ती है, लव स्टोरी बिल्कुल है, पर जो लहजा है, जो कैरेक्टर्स है, आई थिंक हम दोनों ने पहले नहीं करे हैं. सो वी आर होपिंग दैट ऑल द पीपल हु लव्ड सिड नीति, उनको इस पिक्चर में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. इट इज़ सिड नीति ऑन स्टेरॉइड्स. Honestly, before the trailer, I was worried. I don't know if you were worried. Worried in the sense, a little stressed because this is a totally new world. And we didn't know that the Hasi to Fasi lovers will accept us like this or not. But actually, we are really, really, really excited and very motivated with the trailer response. Because the kind of feedback that we're getting, you know, is really positive. So now our fingers and legs and arms, everything are crossed. And I hope that on 2nd August... But इनसे पूछिए इनको कैसे लगा, आपको लगा कि प्रेशर है कि सिड नीति? लास्ट थ्री क्वेश्चन गाइस, लास्ट थ्री क्वेश्चन प्लीज. अरे रुक, कैसे पूछ या हेलो ऑर्डर. अरे पहले डायरेक्टर साहब, अरे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि सिड नीति का प्रेशर पड़ा आपको लगा? सी आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन वी स्टार्टेड ऑन दिस फिल्म. एंड मुझे मेरा एक मानना है कि जब आप दिल से कुछ काम करते हैं ना, वो ट्रांसलेट हो जाता है पर्दे पे. अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इट्स ऑल द क्रेडिट इज टू देम, टू द टीम. सब लोगों ने मेहनत से दिल लगा के काम किया एंड इट शोज. थैंक यू सो मच.